हेलो गाइस, काजूलाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन दिखाने से पहले आपको ये बता दें दोस्तों कि जो भी भाई मेरे चैनल पर नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि दोस्तों आज मैंने जो मनमानी किया है आप भूल कर भी ना करें। गाइस, मैं वीडियो अपलोड करने के चक्कर में आज मेरा नुकसान हो गया। क्या नुकसान हुआ गाइस, मैं अभी आपको दिखाऊंगा और दिखाने के बाद आप लोगों को एक ऐसा बात बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप लोगों की दिलों की धड़कन थोड़ा तेज़ हो जाएंगी और आप थोड़ा सोच में डूब जाएंगे, लेकिन ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए, आपको पहले दिखा देते हैं। तो ये गाइस देखिए, मैं वीडियो अपलोड करने के चक्कर में इस तरह से चोट लगा लिया, देख सकते हैं गाइस। ये वीडियो अपलोड करने के चक्कर में चोट लगा लिया है और ये गाइस मैं वीडियो अपलोड करने के चक्कर में फिर उसके बाद में सीढ़ियों से गिर पड़ा। गाइस, लंच का टाइम काफ़ी ज़्यादा ओवर हो गया था, यूँ कहे तो हम लोगों का लंच का टाइम 1 बजे है, लेकिन तकरीबन 1:40 हो चुके थे और हम लोग अचानक देखे अपने फ़ोन में तो 1:40 हो गए। तो हम लोगों ने छुट्टी किया और छुट्टी करते करते हमारा यानी कि 40 मिनट में 1 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, तो 1:40 हो गए थे, तो लेट हो गया था। तो मैं सोचा कि मैं बाथरूम लगा हुआ था, मैं सोचा चलो बाथरूम करने चलते हैं और जाते जाते वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड कर लूँगा। लेकिन गैस, मैंने एक सीढ़ी से नीचे उतर गया, दूसरा भी नीचे उतर गया, तीसरा जब उतरने की बारी आई तो गैस एक डंडा मेरे से मिस्टेक हो गया, सिर्फ एक डंडा। और उस डंडा एक डंडे मिस्टेक की वजह से आज ऐसा चोट लग गया और काफ़ी ज़्यादा इस वक्त दर्द कर रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कैसा फील हो रहा है, ये मैं ही जान सकता हूँ। और गाइस, मैं ये बता रहा हूँ कि जब मुझे इतना सा चोट लगने में इतना दर्द महसूस हो रहा है, इतना सारा ब्लड आप देख सकते हैं कितना ब्लड गिरा हुआ है और छूते छूते वो नीचे तक भी जा रहा है, देख सकते हैं गाइस। और जब मुझे इतना सा चोट लगने में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है और इतना सा ब्लड गिरने में, हालांकि 2 से 4 बूंद ब्लड गिरने में इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है, लग रहा है कि नहीं जैसे कि नुकसान हो गया। तो गाइस सोचिए, अगर हम चिकन खाते हैं या आप चिकन खाते हैं, तो जब हमारे मन के लिए जब हमें चिकन खाना होता है, हम जाते हैं चिकन शॉप पे, चिकन को कटवाते हैं, तो वो जब कटता है तो सोचिए कितना दर्द होता होगा उसे। यार, मुझे भी ऐसा अब फील हो रहा है जैसा ये मुझे चोट लगने के बाद हो रहा है। मैं जब से चोट लगा है तब से दर्द कर ही रहा है और अभी तक ब्लड बह ही रहा है, लेकिन मैं इसे धो नहीं रहा हूँ, पोछ नहीं रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि अगर मैं इसे पोछ दूँगा तो बार बार आएगा, बार बार ब्लड ऊपर आएगा। अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ तो ब्लड जब ऊपर वाला सूख जाएगा तो अंदर वाला ब्लड ऊपर नहीं आएगा, वो रुक जाएगा। तो गाइस, इसलिए मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि जब मेरा मन करता चिकन खाने के लिए, मैं चिकन शॉप पर जाता हूँ, मैं चिकन कटवाता हूँ, तो कितना ज़्यादा वो तकलीफ़ में फड़फड़ाता है और कितना ज़्यादा वो परेशानियों से झेलते हुए अपने प्राण को त्याग देता है। सोचो तो गाइस, यार जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन एक तरफ से यूँ कहें तो चिकन खाना भी चाहिए और चिकन नहीं भी खाना चाहिए, क्योंकि यार अपने लिए किसी और का प्राण ले लेना, कैसे? अगर आप लोग सोचो कि इंसान अगर जब जान लेता है तो केस होता है, FIR होता है, ना जाने क्या क्या होता है, लेकिन जब एक इंसान एक चींटी को मार दे या एक हत्या कर दे, हालांकि चींटी अनजाने में दब जाता है तो उसका जान चला जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन जान तो फिर भी जान ही होता है। लेकिन जब चिकन शॉप पर जाते हैं, चिकन कटवाते हैं, मुर्गा जब कट जाता है, तो अगर मुर्गा को काटने पर भी अगर आपको जेल होगा तो आपको कैसा लगेगा, सोचिए। लेकिन गाइस, मैं ऐसा मनमानी कर दिया हूँ, आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि देख रहे हैं गाइस, गजब चोट लग रहा हुआ है और अजीब फील हो रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी मैं चल रहा तो इस पर दवा वा लगाऊँगा, मरहम लगाऊँगा ताकि ये थोड़ा सा रुक जाए और मुझे थोड़ा सा आराम मिले। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटे के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे गाइस हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय। जिस तरह से मैं पागल हूँ अपने वीडियो के लिए, मुझे लगता है आप भी पागल होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है गाइस, बाय बाय।
लव यू गाइस, सपोर्ट करिएगा भाई को दिल से।